हाँ तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर्ज़ोन मोबाइल गेम के बारे में। तो वॉर्ज़ोन मोबाइल का जो ग्लोबल समिट इवेंट था उससे हमें बहुत ही कुछ देखने को मिला है, तो आगे मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। तो देखो, वॉर्ज़ोन मोबाइल की जो हाइप है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और नए प्लेयर्स एड होते जा रहे हैं वॉर्ज़ोन मोबाइल गेम के। तो जो भी नए प्लेयर है मैं उनको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, वॉर्ज़ोन मोबाइल गेम का जो अल्फा टेस्ट था, जिसको आप प्राइवेट टेस्ट भी बोल सकते हो, वो चल रहा था और 31 अक्टूबर को वो क्लोज हो चुका है। फिर वॉर्ज़ोन मोबाइल वालों की साइड से हमको एक ट्वीट देखने को मिलता है और उस ट्वीट में बताया जाता है कि वी अप्रिशिएट योर एक्साइटमेंट थ्रू, वी हैव मोर न्यूज ऑन वॉर्ज़ोन मोबाइल इन नवंबर। फिर आती है हमारे पास एक न्यूज, वो होती है ग्लोबल समिट की। वो इवेंट 13 नवंबर को स्टार्ट होता है और 14 नवंबर को एंड हो जाता है। इस इवेंट से हमारी काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी वो जुड़ी हुई थी, लाइक जैसे क्लोज बीटा की अनाउंसमेंट, मल्टीप्लेयर मोड, लेटेस्ट गेम प्ले की भी एंड थोड़ी बहुत ग्राफिक्स के रिलेटेड। फिर इसके बाद ये जो ग्लोबल समिट इवेंट था, जो किसी को नहीं पता था कि ये ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, तो फाइनली ये जो इवेंट था जो था ऑफलाइन। इस इवेंट में छोटा क्रिएटर कोई भी नहीं था, सभी बड़े बड़े क्रिएटर्स थे जिनको इनविटेशन मिला था और जो इवेंट हुआ था लंदन में। इन सब छोटी छोटी बातों को साइड पे रखते हुए सबसे बड़ा पॉइंट है वो है क्लोज बीटा, कि हमको वॉर्ज़ोन मोबाइल गेम का क्लोज बीटा कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखो, ऑफिशियल्स वालों की साइड से हमको ना कोई न्यूज देखने को मिली अभी तक, ना कोई अपडेट, पर इन्होंने आपको ये बताया था कि आपको नवंबर मंथ में काफी कुछ रिवील्स देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग क्लोज बीटा की अनाउंसमेंट। तो अगर मैं अपनी साइड से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर मंथ के एंडिंग में या फिर आने वाले 2-3 दिनों में आपको कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि इसका क्लोज बीटा आज ही रिलीज हो जाए और आज ही आपको गेम खेलने के लिए मिल जाए, पर गाइस हमको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। एंड वॉर्ज़ोन मोबाइल गेम वालों की साइड से आपके लिए एक गुड न्यूज भी है, और वो न्यूज ये है कि जो मल्टीप्लेयर मोड है वॉर्ज़ोन मोबाइल गेम का, वो कंफर्म कर दिया ऑफिशियल वालों ने कि वो गेम में आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही आपको मल्टीप्लेयर मोड का जो गेम प्ले है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जाते कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।